शहर में आए दिन बढ़ रहे आपराधिक मामलों से तंग आकर इस पर अंकुश लगाने के लिए कांग्रेस पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। टीकमगढ़ शहर में आए दिन मारपीट, लूटपाट, छेड़छाड़ और बलात्कार जैसे आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं, जिससे शहर में महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी महिला कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जाकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और पुलिस प्रशासन से शहर में बढ़ रहे आपराधिक मामलों पर अंकुश लगाने के साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। एक शिकायत हम मौखिक भी आपसे करना चाह रहे थे कि जिस तरह से हम हेलमेट के लिए कोतवाली पे मैंने एक दो बार पुलिस वालों को ये भी देखा है कि बिना बात के मजदूर निकलते हैं और वो उनका शाम चालू हो जाती है वसूली की, तो हमने एक दो लोगों को बोला भी तो वो लोग मान गए। सर रात को दिन में आप शराब को जो पी कर ड्राइव कर रहा है उसको कर रहे हैं, हमारे शहर के चारों दिशाओं से जहाँ से बाहर से वाहन आ रहे हैं, क्योंकि बहुत एक्सीडेंट्स भी बढ़ रहे हैं। लोगों को चिंता नहीं है, पर इस पे आप ज्यादा सख्ती करिए कि शराब पीकर यदि जिसने किया ड्राइव किया आप देखेंगे कि ये तो हमारी चल रही है। हमको सर पेपर में तो एक भी खबर नहीं है कि मिश्रा जी शराब पी के पकड़ाए गए, कि ठाकुर साहब पकड़ाए गए, कि जायसवाल साहब पकड़ाए गए। आप पेपर में देखिएगा जी। आज टीकमगढ़ महिला कांग्रेस द्वारा SP साहब को हमने ज्ञापन सौंपा है। हम लगातार न्यूज पेपर में पढ़ रहे हैं जिले में महिलाओं के साथ अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बहुत सी बच्चियां हैं जो बताती तक नहीं है एक मर्यादा और या डर के कारण, और बहुत से लोगों में ये भी देखा गया है कि नेताओं के संरक्षण में जो गुंडे पल रहे हैं वो गुंडे अपने आप को बहुत आज़ाद महसूस करते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और इस तरह के बलात्कारों के अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आज हमने माननीय SP महोदय से निवेदन किया है कि सर आप पार्टी को ना देखते हुए, पक्षपात को ना देखते हुए महिलाओं के लिए प्लीज़ कठोर से कठोर कार्रवाई करें। और हम देख ये भी हमारे सुनने में आया कि जैसे कुड़ीला में अभी जो बच्ची के संग बलात्कार हुआ उसकी बहुत दिनों तक रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई। जब एक महिला कुछ जिस तरह से दरिंदे नोचते हैं खाते हैं और उसके बाद भी वो एक हिम्मत करके थाने तक पहुंचती है कि मेरी बात कोई सुनेगा, उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाए, तो ये हमारे ज़िले के लिए, हमारे पुलिस अधिकारियों के लिए बहुत शर्मनाक बात है। और इस कम से कम इन अपराधों के लिए किसी भी तरह की कोताही नहीं बर्दाश्त की जाना चाहिए, ना किसी तरह के एक दूसरे को लेन देन से या किसी भी तरह से माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। एक महिला किस तरह से अपना घर ज्ञापन, अपनी ज़िंदगी ज्ञापित करती है, कैसे अपने घर चलाती है, कैसे वो दो पैसा कमाने के लिए घर के बाहर निकलती है, यदि वो अपने आप को महसूस अच्छा महसूस नहीं कर पा रही है, सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे ज़िले की पुलिस प्रशासन की नाकामी है। और महिलाओं के संग आगे इस तरह का कोई अपराध नहीं होना चाहिए। जहाँ आपको लगता है कि सख्ती की कार्रवाई की ज़रूरत है आप उस क्षेत्र में जाएँ और सख्ती से कार्रवाई करें। धन्यवाद। देखिए महिला कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा 30-40 या 50 लोगों के साथ आके ज्ञापन दिया गया है, और ज्ञापन का मेन मुद्दा ये है कि महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के जो बलात्कार हो रहे हैं उसमें सख्ती से कार्रवाई की जाए, ऐसी कार्रवाई या नहीं हो रही है, इस तरह से उन्होंने ज्ञापन दिया है। किंतु जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उसमें प्रॉपर कार्रवाइयाँ हो रही हैं और बहुत सख्ती से कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और यहाँ तक कि पास्को एक्ट वगैरह में लगातार आप देख रहे होंगे, पेपरों में पढ़ रहे होंगे, 20-20 साल की सजाएं भी हो रही हैं, और इसमें प्रॉपर और भी जो भी है वो सख्ती से कार्रवाई की। सर पूनम जायसवाल का कहना है कि अभी कुड़ीला में पिछले दिनों एक हादसा हुआ था, अभी कुछ दिन पहले 5 तारीख को उस महिला के साथ में रेप हुआ था, लेकिन उसकी मौत आ
तारीख को उसकी रिपोर्ट डाली गई, सब ठीक है पूरा पूरा? देखिए ऐसा है कि जो भी घटना हुई है उसके संदर्भ में थाने में जाके उसने जैसा भी बताया उस पर कार्रवाई की गई है। अब स्वयं यदि विलम्ब किसी कारण से कर रहे हैं तो उस विलम्ब कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के संज्ञान में जब भी आया है तो बाकायदा जो भी उन्होंने बताया है और जैसी भी घटना हुई है उसमें कार्रवाइयाँ हुई हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।